हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा 18वीं क्यूरवी एवं 9वीं पुमस से राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आज राजा का तालाब में शुरू हुई। इसका शुभारंभ पूर्व सांसद कृपाल परमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट्स भी भारत की ही जननी है, लेकिन सदियों की गुलामी की वजह से इस खेल को भारत में बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन अब ताइक्वांडो एसोसिएशन इस खेल को भारत में बढ़ावा देने के लिए सार्थक पहल कर, जो कि एक प्रसन्नता का विषय है, और हिमाचल सरकार की तरह हर तरह का सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर एसोसिएशन के चीफ टेक्निकल डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि इस चैंपियनशिप में प्रदेश के हर जिले से करीब 250 सब जूनियर कैंडिडेट जूनियर व सीनियर वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 11 नवंबर को इस चैंपियनशिप का समापन होगा। इस अवसर पर हिमाचल पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर शिमला से आए चंद्रशेखर को ब्लैक बेल्ट फास्ट डॉन प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये जो मार्शल आर्ट है, भारत ही इसकी जननी है, लेकिन सदियों की गुलामी के कारण हमारे ऐसे जो मार्शल आर्ट की गतिविधियां थी वो बंद हो गई। यहाँ पे बच्चे हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, वो खेलें सिर्फ ग्राउंड तक ही उनके साथ रहती। जब हॉकी छोड़ती तो वो हॉकी प्लेयर नहीं रहा, जब क्रिकेट वाले ने बल्ला छोड़ दिया तो वो क्रिकेटर नहीं रहा। लेकिन मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल है, ताइक्वांडो एक ऐसा खेल है, जब आप फील्ड के बाहर भी होते हो तो वो खेल और कला वो आपके साथ रहती है। खेल जो खेल में आपको आगे बढ़ाता है, वो जीवन में आपको आगे बढ़ाता है, और वो जीवन में आपको अपने आप में सुरक्षा भी प्रदान करता है। लड़कियों के लिए तो जो बहुत अच्छा खेल है ताइक्वांडो, जो है स्टेट राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, 18वीं और 9वीं कुंभ से राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, और ये जिला कांगड़ा ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कराई जा रही है, हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में। और यहाँ से जो खिलाड़ी जूनियर सब जूनियर और कैडेट स्तर के जो गोल्ड मेडलिस्ट निकलेंगे, वो जो है आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। हिमाचल को प्रतिनिधित्व उनका होगा हिमाचल से, और इसमें करीब 200 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और इस ये जो प्रतियोगिता है, ये सब जूनियर कैडेट जूनियर और सीनियर चारों श्रेणियों में उनके भार वर्गों के अनुसार छात्र और छात्राओं के बीच में प्रतियोगिता करवाई जा रही है। और ये प्रतियोगिता पिछले कल से शुरू हुई है, ये 8 से लेकर के 11 शाम तक ये प्रतियोगिता चली है। आज इस प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है वो यहाँ के जो इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं माननीय कृपाल परमार जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। न्यूज़ के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।